नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। हरियाणा सरकार अपने अब तक के कार्यकाल को लेकर क्राइम के मामले में और खासतौर पर महिलाओं के प्रति बढ़ते क्राइम के मामले में कई बार घिरी है, लेकिन अब एक बार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फैसला। हम सब बदल लेते हैं, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। तो कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और एक सबसे बड़ा फैसला जिसे माना जा सकता है, जिसका जनता को लंबे अरसे से इंतजार था, कि पिछले साल जो एनसीआरबी के आंकड़े आए, जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें हरियाणा में क्राइम बढ़ा पाया गया। क्राइम के मामले में यूपी बिहार को भी हरियाणा पीछे छोड़ देगा, ये बात निकलकर सामने आई, जिनमें सबसे ज्यादा जो क्राइम है महिलाओं के प्रति नजर आया है, जिसे लेकर खट्टर सरकार की चारों तरफ जमकर आलोचना भी हुई। लेकिन ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खट्टर सरकार के इस कदम से बढ़ते क्राइम पर कितनी अंकुश लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर हरियाणा के बिगड़ते हालातों और क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए हरियाणा में अब डर लगने लगा है। हरियाणा में बेटियों को कोख में मारने से तो बचा लिया जाता है, सेक्स रेशियो भी बढ़ गया है, मगर समाज में खुले घूम रहे वैश्विक दरिंदों से बेटियों को बचाने में पूरी तरह से नाकाम रही हरियाणा सरकार की कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ऐसे में हरियाणा में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों के बाद आलोचनाओं का सामना कर रही खट्टर सरकार ने मंगलवार को महिलाओं से जुड़े अपराधों के कानून को और कड़ा बना दिया है। नए कानून के बाद अब 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के गैंगरेप के आरोपियों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में की गई मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला अपराधों से जुड़े भारतीय दंड संहिता के कानून की धारा 376, 376 डी, 354, 354 की धारा 2 में कुछ नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। इन धाराओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर लगाम लगाना है। अब आईपीसी की धारा 376 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके मुताबिक हरियाणा में अब 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ गैंगरेप के आरोपियों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया है। मौत की सजा के साथ साथ कठोर कारावास और जुर्माने समेत 14 साल या आजीवन कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। यौन उत्पीड़न या यौन अपराध में से जुड़े लोगों की जो मौजूदा आपराधिक कानूनों की मौत की सजा या सजा में वृद्धि करके और अधिक कठोर बनाया गया है, ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों में इसके प्रति एक भय पैदा किया जा सके। भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 376, अभी 376 ए है, 376 ए के साथ जो नए अमेंडमेंट के साथ हम 376 ए, इसी प्रकार से 376 डी है ऑलरेडी, 376 डी ए, 354 डी, 354 है, अब 354 डी 2 और यौन अपराधों से बच्चों सुरक्षा धारा 6 जैसे कानूनों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। क्या है ये संशोधन? 12 साल तक की बच्चियों के साथ यदि कोई रेप करता है या उसमें दोषी पाया जाता है या सामूहिक बलात्कार करता है, इसमें कम से कम 14 साल की सजा। इस कानून के बाद गैंगरेप और रेप के आरोपी को मरने तक जेल में रहना होगा। इन आरोपियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा, जिसकी राशि पीड़िता को राहत के तौर पर दी जाएगी। और इसके अलावा खट्टर सरकार ने आईपीसी की धारा 354 में नया सेक्शन जोड़ दिया है, जिसके बाद छेड़छाड़, मारपीट और महिला की इज्जत पर हाथ डालने के आरोपियों को कम से कम 2 साल की सजा की बात की गई है, और इसे बढ़ाकर 7 साल भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि हरियाणा से पहले भी मध्य प्रदेश में बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने गैंगरेप के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया था। उम्मीद की जा सकती है कानून में हुए इन बदलावों और सख्ती के बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश में बढ़ती रेप की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके, साथ ही इन दोनों राज्यों की तर्ज पर ही बाकी राज्यों में भी रेप को लेकर सख्त से सख्त कानून लागू किया जा सके। खबरें अभी तक।
तो फैसला वाकई बड़ा है और इसी बड़े फैसले को लेकर हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने कैबिनेट मंत्री कविता जैन से खास बातचीत की। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब 12 साल से कम की जो बच्चे बच्चियां होंगे उनके साथ रेप होता है तो मृत्यु दंड तक मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कविता जैन ने काफ़ी प्रयास किया, मंत्री ने सरकार को सिफारिश भी लिखी कि मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी कानून लगे। आज उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने अप्रोच किया और कैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में ला करके बड़ा अहम फैसले लिया। मैडम, आप लोग की सोच थी कि मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी कानून लगे, तो कैसे सुझाव भेजा आपने? देखिए, जिस तरह से लगातार बच्चियों के खिलाफ जो हादसे हो रहे थे, रेप के सामने आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि अब समय वो आ गया है कि जब हमें कड़ा कानून अपनाना चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से नया वर्ष लगने से पूर्व और उसके बाद में भी लगातार जैसे लग रहा था कि हादसों की बाढ़ सी आ गई है, और मैं समझती हूँ कि समय की ऐसी मांग बनी, आवाज़ उठी हर तरफ से कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चियाँ अपने आप को सुरक्षित समझें। और निश्चित रूप से हर कोई सरकार की तरफ अपने आप को देखता है, और बींग ए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, सो हमारे सामने भी इस तरह के हादसे जब आते थे तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर होने के नाते और एक महिला होने के नाते भी हमें ये लगता था कि हमें कुछ कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हमें इस पद पर रहने का कोई हक भी नहीं है। सो निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं मन के अंदर पीड़ा थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो हमारी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चियों का दर्द उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझा, और उन्होंने भी इस बात की अहमियत को समझते हुए घोषणा की कि हमें 12 साल से जो कम की बच्चियों के साथ रेप होता है या गैंग रेप होता है कि उन अबोध बच्चियों के खिलाफ जो गलत कदम उठाता है उनको तो मौत की सजा का प्रावधान हमें करना ही चाहिए। और कल वो अहम कड़ी ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आ गई जब पूरी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक मत के साथ इस फैसले को सबने पास किया। सो निश्चित रूप से ये ना केवल हरियाणा की बच्चियों के लिए बल्कि मैं समझती हूँ इसका जो असर है पूरे देश के अंदर जाएगा, और पूरे देश की बच्चियों को इससे एक राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं और राज्य भी मैं समझती हूँ इस सजा के प्रावधान में परिवर्तन करेंगे और इस फैसले को वो भी अपनाने का काम करेंगे। तो कैबिनेट ने पास कर दिया तो इसके बाद विधानसभा में जाएगा, बिल भी बनेगा, तो हाँ क्या जी, बिल्कुल इसका क्योंकि आईपीसी की धारा के अंदर परिवर्तन है और बिल लाने के बाद उस विधेयक को माननीय राष्ट्रपति जी तक भेजा जाता है और उसके पश्चात ये लागू होता है। लेकिन उससे अगर जब तक इस प्रक्रिया के दौरान जितना भी समय लगता है, लेकिन हरियाणा सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में बच्चियों के खिलाफ कोई भी भयानक हादसा होता है तो कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, शीघ्र कार्रवाई होगी, और कोई भी दबाव किसी सूरत में वो उस पर असर नहीं डाले। तो ये थी हमारे साथ कविता जैन, बाल महिला बाल विकास मंत्री, जो साफ तौर पे कह रही थी कि अब जो कानून में प्रावधान किए जा रहे हैं, जो नया कैबिनेट में फैसला लिया गया, इससे कहीं ना कहीं बाल अपराधों में जरूर कमी देखने को मिलेगी। कैमरामैन ललित के साथ कुमार रमेश, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। तो फैसला काफी बड़ा है लेकिन इसका डर कितना बन पाएगा इसके कानून बनने के बाद, ये सवाल है जिसको लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि कानून पहले भी बहुत सारे हैं लेकिन उनका खौफ कितना है, क्राइम पर अंकुश कितना लगता है, क्राइम पर कंट्रोल कितना हो पाता है कानून सख्त होने के चलते, चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण ढुल हैं हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढिंगरा हमारे साथ हैं स्टूडियो में, रविंद्र ढुल इनेलो प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता गुरविंद्र पाल सिंह हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर श्याम सखा श्याम हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। कृष्ण ढुल जी, क्या माना जाए, कितना बड़ा ये फैसला? देखिए ज्योति, जिस प्रकार से घटनाओं में वृद्धि हो रही थी और लगातार लोग जो है कानून से खिलवाड़ कर रहे थे, देश में नहीं मतलब प्रांत में नहीं, पूरे देश में इस प्रकार का माहौल जो है वो हो रहा है। कानून अपना काम करता है और कानून का अभिप्राय ये रहता है कि इस प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर दबाव डाला जाए, लेकिन कानून के साथ साथ इसमें समाज का भी बड़ा अहम रोल रहता है कि जिस प्रकार के ये जो लोग हैं इस प्रकार की घटनाएं करते हैं उनको भी समाज में भी थोड़ी बहुत उनको प्रताड़ना मिलनी चाहिए। और अब जो कानून हमने मनोहर जी ने इतना कड़ा फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को मैक्सिमम सजा के साथ साथ उनको आजीवन उम्र कैद और उसके अलावा फांसी का जो प्रावधान किया है, ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सोच रखने वाले लोग हैं या जो घृणित कार्य करते हैं उनके लिए एक कड़ा कदम होना चाहिए। केवल ढिंगरा जी, कांग्रेस तारीफ करेगी इस फैसले के?
बिल्कुल, ये एक अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले की जरूर तारीफ करता हूँ, लेकिन एक चीज इसके अंदर है कि इसमें जो समझ में आ रहा है कि 12 साल तक फांसी की सजा, 14 साल तक जो है उम्र कैद की सजा, लेकिन जो 14 से 18 साल तक है वो भी तो बालिग नहीं है, मतलब बालिग नहीं होता वो, और उसको उसके लिए क्या सजा है, उसके अंदर वो कुछ नहीं रखा, वो वहां पे थोड़ा सा मामला गुम है, तो ये इनको समझना चाहिए था। और जहां तक दूसरी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, क्योंकि ये कह तो सकते हैं हम कि ये फैसला हमने कह दिया, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर या नॉर्मल कोर्ट के अंदर या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये क्या कानून ला रहे हैं, किस तरीके से ला रहे हैं और क्या कैसे प्रावधान कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी मौन है सारी बात। तो बाकी जो है इसमें एक और इशू है कि अभी तक जो हरियाणा सरकार का सिस्टम रहा, 3.5 साल का कार्यकाल रहा, उसके अंदर कोई इस तरह का सिस्टम समझ में नहीं आया, तभी एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे हैं कि हरियाणा जो है इस समय सबसे ज्यादा अपराध का एक एरिया बन गया, जिसके जो आंकड़े हैं वुमेन्स वाले जो आंकड़े हैं वो 9010 हैं 2014 के, और उसके बाद वो बढ़ के 9511 हो गए, और 2016 के अंदर वो 9839 हो गए। ये सिर्फ वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ही आंकड़े हैं, तो ये किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो हरियाणा सरकार का अंकुश जो लगना चाहिए था वो कहां से। बीजेपी से जवाब लेंगे, ढुल साहब बोले। देखिए, जैसे कि केवल जी ने बताया कि जो कानून है उसमें 18 साल से बच्ची 12 साल की स्लैब जो बनी है वो कानून के रूप में कानूनविदों के मुताबिक उसमें कुछ बदलाव है, और जहां तक बात इन्होंने की लागू होने की, तो अभी 5 तारीख से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, 5 तारीख के बाद उसमें विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा और उसको पास करने के उपरांत चूंकि उसमें कानून में बदलाव और प्रावधान है तो वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो लागू हो पाएगा, और उम्मीद करते हैं आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये सारी चीजें लग जाएंगी और हो जाएंगी। रविंद्र ढोल साहब, ये फैसला हालांकि कैबिनेट की ओर से जो लिया गया बड़ा नजर आता है, क्या इसके असर भी बड़े नजर आएंगे जब कानून बनकर ये लागू किया जाएगा? देखिए, ये तो भविष्य के अंदर पता लगेगा हमें, बाकी स्वागत योग्य फैसला है, बड़े लंबे समय से इसके बारे में बातचीत भी चल रही थी, जैसे पिछली बारी जब हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंड हुआ था, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्भया कांड हुआ था 2012 में, उसके बाद अमेंड हुआ था, तो उसके बाद में ये भी एक जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि बच्चों के खिलाफ काफी हादसे जो है अपराध इस प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं। तो लेकिन बड़ी चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो चीज जो महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हमें यहाँ पर सोचना होगा कि क्या सजा बढ़ाने से ऑफेंस रुकेंगे, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। और साथ में पहली बात, दूसरी चीज ये है कि मैं इसके अंदर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार का संजीदा मुद्दे को बेहतर होता हम पार्लियामेंट के थ्रू पूरे भारत के लिए इसे पास करवाते, बजाय इसके कि हम स्टेट वाइज इसको लेकर के चले, क्योंकि राष्ट्रीय मैसेज जाता, पूरे राष्ट्र का मैसेज जाता, पूरे विश्व के अंदर वो ट्रेवल करता, वो ज्यादा बेहतर था। सरकार इनकी ये कर सकते हैं बड़े आसानी से, और मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रकार का इसका अपोज करेगी। जो महत्वपूर्ण चीज है वो जो है बड़े लंबे समय से जो डिमांड पेंडिंग है उसकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिए, बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों के लिए विशेष कोर्ट बना करके फास्ट ट्रैक उन्हें किया जाए, वो अधिक ज्यादा बेहतर डिटरेंट के रूप में जो काम करेगा, लोगों को अपराधियों को डराने के लिए काम करेगा कि यदि आप बच्चे के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो 1 महीने में 1.5 महीने में आपको सजा मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बड़े बेहतर चीजें हैं और इसके बारे में हमें, मैं चाहता हूं कि बहुत डिबेट भी होनी चाहिए, और मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगा कि जब सदन के अंदर ये पेश करें तो उसके बाद में विपक्ष को पूरा मौका भी दिया जाए बोलने के लिए। सोचा जा सकता है इसी फैसले को लेकर? क्यों नहीं सोचा जा सकता, निश्चित तौर पर सोचा जा सकता है। और पहल जो मैं आपको बताऊं कि ये फिर राजनीति की बात हो जाएगी, इससे पहले जो शुरुआत हुई थी वो भी मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को लागू किया था अपने यहाँ और केंद्र को भेज दिया था, उसके बाद हरियाणा दूसरा ऐसा है, और दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जैसा कि रविंद्र जी ने बताया कि 2012 से निर्भया कांड के बाद उसमें बदलाव हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, और उसके बाद से लेकर के हमारी जो सरकार आई है वो 2014 में आई है, तो उन 2 सालों के बीच में भी इस प्रकार की कोई
बात नहीं घटी जहां जहां पर कांग्रेस थी, पर चूंकि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना ही मैं इसको राजनीतिक रूप या राजनीतिक रंग दे रहा हूं और ना ही मैं देना चाहता हूं, चूंकि यह महिलाओं के बच्चियों के आत्मसम्मान की बात है और उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों के प्रति कठोर निर्णय लेने की बात तो लेंगे आप लोग, उसमें कोई दोराय नहीं। हालांकि क्रेडिट मिलना भी चाहिए सरकार, नहीं, क्रेडिट तो लेने के लिए नहीं कर रहे। देखिए क्रेडिट लेने के लिए ज्योति जी बात और दूसरे राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिन पे राजनीतिक पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्रेडिट लेना चाहिए। जो सामाजिक मुद्दे होते हैं जिनसे सामाजिकता का सरोकार होता है, मुझे नहीं लगता उस पर किसी भी राष्ट्रीय राजनीति को राजनीतिक रूप दिया जाए। श्याम सिकाल जी, सामाजिक पक्ष कितना है इस तरह के पूरे मामलों का? इसमें दो बातें हैं मैडम। सबसे पहले तो इस बात की है कि जब तक हम पॉलिसिंग ठीक नहीं करेंगे, कि पॉलिसी ठीक नहीं होगी, आज भी आपने खबर पढ़ी होगी कि एक महिला फोन करती रही 100 नंबर पर, जिसको घर के अंदर पीट गया आके, चोट लगी, उस तक कोई उसका फोन ही नहीं उठाया गया। बिल्कुल। तो जब तक हम पुलिस का काम ठीक नहीं करेंगे, इतने लोग MLA MP चाहे कोई सी सरकार हो हमेशा आते हैं, उनके यहाँ पुलिस पहुंच खड़ी रहती है। बिल्कुल। जबकि पुलिस का अमेंडमेंट बहुत जरूरी है पुलिस का। दूसरी बात यह है कि ये भागदौड़ के फैसले नहीं होते। हाँ। ये हमेशा हमें इंटरनेशनल, उस पर अब USA में क्या है, USA में वो फांसी कम देते हैं लेकिन उम्र कैद, और ऐसी उम्र कैद कि वो सारी उम्र वहां पड़ा रहे, उसको पैरोल भी ना मिले। उससे क्या होता है कि उसके रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त सबको पता लगता है कि वो वहां है। आपने एक दिन फांसी दे दी, मुझे कोई एतराज नहीं, फांसी दे दो, लेकिन अगर हमें उसको नजीर बनाना है, एग्जाम्पल बनाना है, तो अगर वो आदमी सारी उम्र रहे। दूसरा, एक दो कंट्रीज में यहां तक है कि उसकी आधी या चौथाई प्रॉपर्टी उस रेप पीड़िता के नाम की जाती है। तीसरा, जो सबसे बड़ा मुद्दा, एक तो मैं दो मुद्दे सबसे बड़े मानता हूं, एक तो अभी भाई ने कहा दिल साहब ने कि फास्ट ट्रैक ट्रैक होने, जैसे पाकिस्तान में एक महीने में उस बच्ची का आपने भी देखा हुआ हो गया, तो सब कोई बच्ची नहीं, बड़ी भी महिला, चाहे वो 10 साल की है, 4 साल की है या 50 साल की है, उसका जो कष्ट होता है रेप में वो कोई कम नहीं होता है। तो सबके लिए एक फास्ट ट्रैक होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक में मैक्सिम ये नहीं होना चाहिए कि आप सेशन से हाई और हाई से उसमें, फास्ट ट्रैक के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि ये भी अमेंडमेंट लाना चाहिए कि राष्ट्रपति को भी उसमें माफ करने का कोई वो नहीं होना चाहिए, तब जाके बात। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह, मेरा मानना है कि फांसी से ज्यादा बेटर सारी उम्र की कैद, प्रॉपर्टी, और दूसरा फास्ट ट्रैक टैग, और तीसरी बात समाज की आती है। समाज को ये समझना पड़ेगा, समाज जब तक ये नहीं समझेगा कि भाई ये बुरा काम है, और वो घर से ही होता है, और घर में क्या होता है कि दबा दिया जाता है, जो छोटी मोटी छेड़खानियां होती हैं। अब USA में एक लाया, अगर किसी बच्चे से छेड़खानी होती है तो पहली छेड़खानी के बाद 10 साल तक जहां बच्चे रहते हो, चाहे स्कूल है चाहे घर है, उसके पास वो अपराधी जाएगा तो दोबारा पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरीके के कानून भी होने चाहिए। सिंह जी, कानूनी बदलाव कितने होने हैं? दो तरह की बात है, एक तो क्या जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉम्पिटेंट है, ये जो क्रिमिनल अमेंडमेंट्स है या फौजदारी कानूनों में कोई भी संशोधन है वो कंकरेंट लिस्ट की पहली एंट्री है, तो इसलिए स्टेट की विधानसभा के पास, राज्य की या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये राइट है कि वो जो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून भी हैं क्रिमिनल लॉ, उनको अमेंड कर सकती है। ये तो इसका एक कानूनी पक्ष है। दूसरा ये कि यदि वो बनाया गया कानून देश के बनाए गए पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के उलट जाता है या उसमें कुछ ऐड या रिड्यूस करता है, तो वो तभी मान्य होगा जब ये राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देते हो। तो ये चर्चा पहले अभी आपकी चैनल पे की भी गई है, जब आप एक इंटरव्यू ले रहे थे कविता जैन जी का, तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। लेकिन जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि एक होती है पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, कि विक्टिम के क्या क्या राइट है और पिनल लॉ किस तरह का होना चाहिए, इसके लिए एक बहुत गहरे अध्ययन की जरूरत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अब जो काम कर रही है, आज के दिन जो सरकारें, कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगा कि BJP कांग्रेस या कोई भी, जब कोई मुद्दा उठता है, जब कोई मसला ऐसा आता है जिसमें सरकार को लगता है कि उसकी जनता के बीच में बदनामी होने वाली हो रही है, कि क्राइम बढ़ रहा है, तो आनन फानन में ना कुछ फैसले लेना शुरू कर देती है, जो लीगली कंपिटेंट तो हो सकते हैं लेकिन जिस उद्देश्य के लिए ये वो फैसले लिए जाते हैं क्या वो उद्देश्य पूरा करेंगे या नहीं, इसके लिए जरूरी है कि उससे पहले अध्ययन किया जाए। मैं एक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जस्टिस USA के आंकड़े पढ़ रहा था कि बहुत बारीक कानून होने के बावजूद 2/3 लोग जो सजा भुगत के आ रहे हैं वो 3 साल के अंदर अंदर दोबारा अरेस्ट किए गए, 3/4 लोग जो सजा भुगते किसी भी केस के लिए वो उन्होंने उनको दोबारा अरेस्ट करना पड़ा। तो मीनिंग देर भाई, अर्थ ये हुआ
कि सिर्फ सजा ही अपराध रोकने का काम नहीं करती है, तो क्या सजा सफिशिएंट है या उसके लिए कोई और भी साधन है? पिनोलॉजी में है कि आपने रिहैबिलिटेट करना है विक्टिम को, विक्टिम को रिफॉर्म भी करना है, वो इंडिविजुअल नहीं है। ये रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो वे है वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम आज के दिन ऐसे क्यों नहीं कहते कि उसने उसकी बांह तोड़ी है और न्याय प्रणाली में दूसरे की बांह तोड़ दो, न्याय तो यही हो गया ना, तो हमने वो बार्बरिज्म छोड़ा है। तो इस तरह की जब हम कहते हैं ना कि फांसी की सजा सुना दी जाए रेप वाले में, देखने में बहुत अच्छा लगता है, दिखता भी ठीक है, और कोई आदमी इसकी आलोचना भी नहीं करेगा क्योंकि ये एक पॉपुलर मैयर होता है। लेकिन ये जैसे श्याम सखा जी ने कहा है, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था की, हमारी पुलिसिंग की और हमारी एजुकेशन की फिल्योर की तरफ जाता है। यदि ज्योति जी मौका दे, मैं एक छोटी सी बात और कह दूं अंत में, सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि मैं एक स्टडी पढ़ रहा था अभी दो तीन दिन पहले ही बाई चांस ये आ गया कि जिन देशों में औरतों के खिलाफ कम है ये अपराध कम है, उन देशों का अपनी शिक्षा पर जो बजट का प्रतिशत हिस्सा है वो 4.5% या 5% से ज्यादा है। और हिंदुस्तान में 1999 में शिक्षा पर हमारा जो खर्च था बजट का जीडीपी का वो 4.5% था, जो अब कम होकर 3.3 या 3.4% रह गया। तो जो दूसरे पक्ष हैं उनको भी देखने की जरूरत है यदि अपराधों को कम करना है। कोई दोराय नहीं, केवल ढिंगरा जी जानेंगे आपसे क्या कुछ कहना है आपको, उससे पहले आम पब्लिक क्या कहती है इस फैसले को लेकर वो सुने। नाम से बेटी बचाओ बेटी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है हमें बेटी की बचाओ बेटी कुछ में सरकार कुछ कर रही है, सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है। इस कानून का हम समर्थन करते हैं, ठीक बड़ा है, लेकिन लागू करने पे बात है, सरकार लागू करे, हम ये कहना चाहते हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है वो हमें ठीक तो है कुछ मायनों में, शुरुआत के लिए तो सही लगता है, लेकिन इसमें भी आगे सुधार की गुंजाइश है। वैसे तो ये फैसला सही है अगर इम्प्लीमेंट हो तो, कि लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अभी तो सेशन में पास करवाना पड़ेगा। मेरे तो ये विचार हैं कि इसकी सज़ा जो ना उसको उसी तरह से देनी चाहिए जिस तरह से वो क्राइम करता है, तब सुधार होगा। जो अपराध करेगा वो आगे इस पे फांसी का प्रावधान होगा इतना सख्त, तो उस पे आगे करते टाइम दो चारों को और को भी सबक मिलेगा इससे कि हम करते टाइम सोचें। नहीं, ये सही है कि अगर कोई ऐसा कोई काम करता है तो उसको फांसी ही होनी चाहिए, ताकि अगर एक आदमी ने ये किया तो चार लोग और इसके बारे में सोचे कि ऐसा उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है इसके लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया हो चाहे कैबिनेट ने दिया, जो फैसला दिया नहीं है तो मतलब बहुत ही सुपर डुपर फैसला है ये, तो कोई छोटा फैसला नहीं। इस फैसले तो ये वाला फैसला तो आज से मतलब कई साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, अभी हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार से इस नियम को काबू रखे, कहीं इसको मतलब अपाइज नहीं बना दे, कि इसमें कोई धारा और लगा इसको कमजोर नहीं कर दे। तो देखिए दोनों ही बातें हैं, फैसले की तारीफ जरूर की गई लेकिन इसको कानून बनाए जाने के बाद अच्छे तरीके से लागू किया जाए कि इसका खौफ कायम हो वो जरूरी है। साथ ही चरखी दादरी से भी खबरें अभी तक ने बातचीत की है स्कूली छात्राओं के साथ और आम लोगों के साथ इस फैसले को लेकर। सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत सही है, उससे हम लड़कियाँ सेफ रहेंगी। 12 साल तक की जो उम्र है उसमें लड़कियों के साथ जो ये गलत कार्य हो रहा है इस पर रोक आई है, और जो कानून बनाया है वो लड़कियों की सेफ्टी के लिए वो बिल्कुल सेफ है। सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है, जो इधर उधर घूमने वाले लोग हैं वो लड़कियों के लिए गलत काम करते हैं उनको फांसी की सज़ा बहुत अच्छी दी है। हम लड़कियाँ रात को भी सेफ रह सकती है, और सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट में जो भी वो फैसला लिया है यो बहुत सराहनीय लिया है जी सर, यो तो पहले ले लेना चाहिए था यो फैसला। हम तो 102% इस फैसले पे बहुत खुश हैं। ये जो फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है ये बहुत ही बढ़िया फैसला है, और इससे समाज के अंदर जो है औरतों की इज्जत और बढ़ेगी और लड़कियों की संख्या बढ़ेगी, और जो है समाज जो ये फर्क जो भेदभाव का है इसके ऊपर भी चेक लगेगा। हर एक आदमी जो है इस अपराध की वजह से लड़कियों को जो है पैदा करने से डरता है, और इससे जो डर है उनका दूर हो जाएगा तो लड़कियां सुरक्षित हो सकेंगी। 12 साल या उससे कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनके साथ इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, इस तरह का क्राइम नहीं होगा, इसके लिए कैबिनेट ने कोशिशें की हैं। इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कानून बन जाने के बाद खौफ कितना बन पाएगा। केवल ढिंगरा जी,
देखिए इसमें 12 से 14 साल तक का तो बिल्कुल प्रावधान रखा है, लेकिन उसके ऊपर का प्रावधान जो है ना वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो वो भी बच्चियां होती हैं, वो भी कोई बड़ी नहीं होती, जो 16 साल की होती है, जो 17 साल की होती है, जो 18 साल की होती है, वो भी बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की जहां बात आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा, महिला थाने तो बहुत से बने लेकिन महिला पुलिस की कमी है उनके अंदर, और जहां पे इम्प्लीमेंटेशन है उसकी भी कमी है। तो कहां पे काम हुआ? जो हरियाणा सरकार की बीजेपी का काम है वो कहीं नहीं हुआ। हाँ। आपको ये बताऊंगा, 3.5 साल के अंदर 4 डीजी चेंज कर दिए इन्होंने, जहां पे 4 मामले हुए जिसमें इतनी आगजनी हुई। आप ये देखिए कि एक डीजी तो ये कह रहे थे कि हमारे गोले खत्म हो गए। आप मतलब उस डीजी को अगर आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा देते हैं तो आप किस तरीके से पुलिस का सुधार करेंगे? यहां पे सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है वही, उसी में ही अगर कमी हो जाएगी तो मेन रोल तो है ही पुलिस का। अगर उसकी ईमानदारी जो है इस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए नहीं होगी तो फिर तो कोई भी कानून बना ले, वो कानून तब इंप्लीमेंट होगा जब तक उसमें पुलिस की ईमानदारी होगी। जब जहां तक की पुलिस की ईमानदारी नहीं होगी और सरकार का पीछे से उस तरह से कार्य नहीं होगा तब तक ये काम नहीं सिरे चढ़ सकता। चलिए सरकार का पक्ष जानेंगे। ढोल साहब, यहां जरूरी हो जाता है कि पुलिस किस तरह से काम करती है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। पुलिस जिस तरह से काम करती है वो शायद केवल धिंगड़ा जी को भी बहुत अच्छे से पता है, और इतनी ढीठता से जो इन्होंने बात कही, निश्चित तौर पर हम लोगों ने 4 डीजी बदले जब हमें ये लगा कि किसी एक एंड पर किसी जगह पर आज बदलाव की जरूरत है, तो हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बदला। इनके यहाँ पर 9 साल के कार्यकाल के बीच में कोई डीजी नहीं बदला। कितने कितने कांड हुए हैं ये मुझसे ज्यादा आप और मीडिया के लोग जानते हैं। और जो इन्होंने कहा कि बाद में नियुक्ति करने की बात है, अब सुन जाइए, जब आप उसको बदला तो इसका मेरी पूरी बात नहीं हुई, और उसको आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाते हैं। ये कह रहे हैं मैं आपसे, आप भूल रहे हैं, आपने भी डायरेक्टर जनरल पुलिस रंजीव दलाल को रिटायरमेंट के बाद हरियाणा पब्लिक गलती कोई नहीं होगी ना, आप गलती के बाद अगर आपने बदला उनको ये आपका मानना है होगी ना केवल जी, ये आपकी आप कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं उनकी गलती थी तभी 4 बदले हमने, दूसरी तरफ आप उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाते हैं, तो आपकी भोरा रवैया है। मेरा सुनिए आपसे, मैं ये कहना चाहता हूं आप समझे नहीं मेरा सवाल, नहीं आपका सवाल समझ गया, आप लोगों का जवाब ठीक नहीं है, इतनी है कि समझ नहीं आती चीजें। आपके यहाँ गोहाना कांड हुआ उसमें लोगों की जान गई, मिर्चपुर कांड हुआ उसमें लोगों की जान गई, मैयर कांड हुआ उसमें लोगों की जान गई, लेकिन ना डीजी बदला ना डीजी बदला ना सरकार ने अपने आप को ये माना। आपने क्या आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने बात रखी, आपने जवाब नहीं दिया, जल्दी बोलिए, मूल विषय पर मैं आता हूँ, जिस सामाजिक सरोकार की बात हम कर रहे हैं, चलिए आप बोलिएगा, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेंगे, बात पूरी कीजिएगा। रविंद्र ढुल जी जल्दी बोलिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये हम मुद्दे से भटक करके इधर उधर जा रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है 1998 से भारत के अंदर पुलिसिया कानून और पुलिसिया रिफॉर्म्स जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, सरकार सभी जाती है, जब तक आप पुलिस को अपनी को सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे फॉल्स प्रोसिक्यूशन के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। आज ही आपको पता होगा कि प्रद्युमन के ऊपर हत्या का जिसके ऊपर आरोप लगा था अशोक कंडक्टर, उसे कोर्ट ने बरी किया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई नहीं हो सकती, तो क्या हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि जिस व्यक्ति को आप पकड़ रहे हैं उसको उसमें सुधार किया जाए, पुलिस कर्मियों की जो कमी है उसको भी गंभीरता से लिया जाए, हर एक स्तर पर सुधार की और बदलाव की जरूरत है जाहिर तौर पर। तो 12 साल तक की बच्चियों के लिए हरियाणा कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, इसके असर कितने बड़े होंगे और कहां-कहां सुधार की जरूरत है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी का पक्ष जानेंगे। ढुल साहब, अभी ब्रेक से पहले चर्चा ये की गई, रविंद्र ढुल जी ने सवाल भी किया कि पुलिस में जहां सुधार की जरूरत है, गुंजाइश है, वहां भी काम किया जाए ना। बिल्कुल, रविंद्र छोटे भाई ने बताया अभी कि 1998 से लेकर के बात चल रही है पुलिस रिफॉर्म्स की और नहीं हो पाए। शायद ये बात कहते कहते इनको ये ध्यान नहीं रहा कि 1998 के बाद से लेकर के इनकी भी सरकार का पूरा एक कार्यकाल चला गया, सब केंद्र का, हाँ नहीं सभी का, मैं बड़ी पुलिस रिफॉर्म राजनीतिक बात कर रहा हूँ कृष्ण जी, अच्छा चलिए चलिए बेहतर कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है ठीक है, बड़े जेन्युइन तरीके से मैंने बात पूछी और बड़ी कॉमन बात कही है, सभी राजनीतिक पार्टियां बीच में सरकार, हमने फिर समाज को रिफॉर्म करने की बात करें, राजनीति की नहीं। यहाँ पर मैंने ये कहा कि आपने कहा कि 98 से पेंडिंग है जी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, उस डायरेक्शन के बाद पिछले 3 सालों में हमारी सरकार आई है, उसके बाद से भी हम लोग लगातार प्रयास प्रदेश को लेकर के तो चले ही जा रहे हैं। 2004 तक और हमने 2004 तक भी आपकी थी केंद्र में सरकार। सुनिए, मैंने ये कहा कि हरियाणा प्रदेश में हम लोगों ने
जिस प्रकार के सख्त कानून बनाए, चाहे वो गायें को लेकर के है, चाहे वो पुलिस को लेकर के है, और जिस प्रकार की राजनीति की बात अभी केवल धिंगड़ा जी कर रहे थे, पुलिस को लेकर क्या किया, पुलिस को लेकर के हमने उस वक्त की मोदी सरकार ने क्या किया पुलिस को लेकर, पुलिस को लेकर के हरियाणा सरकार ने पिछले 3 साल में 7700 वैकेंसियों की हमने नियुक्ति कर दी है, और करीब करीब महिला और पुरुष की कांस्टेबल्स और बड़े अधिकारियों को लेकर के 12,000 से 15,000 की नियुक्तियों का विज्ञापन जो है वो आ चुका है, और जिसमें हम अगली भर्ती जो है वो करने जा रहे हैं। एक लाइन में स्पष्ट कर देता हूँ, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का पद पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़ा है, खाली पड़ा है। पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के लिए आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, बताइए, ऐसे ऐसे बेटियां सुरक्षित होंगी? अच्छा, एक सवाल और है, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने जिसकी तर्ज पे लिया उस पर वहां पे लागू हो गया या नहीं हो गया? मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार क्या लागू हो गया जी, जिसकी तर्ज पे आपने ये कानून लाया है वो मध्य प्रदेश में पहले लागू हो गया या नहीं हो गया? देखिए, जितनी जीवटता भरी बात अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और हमने ऐसा इससे पहले केंद्र के और प्रदेश के ये फैसलों को करके दिखाया है। केंद्र में अगर मैं बात करूंगा तो हमने 3-4-5 बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जिसको लेकर के हमारा आलोचना भी हुई, चाहे वो जीएसटी का जो है मध्य प्रदेश, चाहे वो एमएसपी को लेकर जो है हुआ मध्य प्रदेश में, ये पूछ रहा हूं आपसे। और अब जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो अगर प्रदेश सरकार की बात करें, हमने जो बड़े फैसले लिए, हमने एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, हमने नियुक्तियों में पारदर्शिता रखी, अब इंटरव्यू खत्म कर दिए, और जिस प्रकार भाई भतीजावाद और क्षेत्र राजनीति महिलाओं से जुड़े मामलों में क्राइम को लेकर जो इनके राज्य में मामले को रफा दफा करवा दिया जाए, समझौता करवा दिया जाए, ये पुलिस पर आरोप लगते रखे हैं केवल ढिंगरा जी। देखिए, ये तो इसके ऊपर तो मैंने अभी सवाल किया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसी के अंदर अगर ईमानदारी नहीं है तो ये किस तरीके से होगा, उसका जवाब ये नहीं देंगे। दूसरा, मैंने एक और सवाल पूछा, मध्य प्रदेश में जो ये इसी तर्ज पे कि 12 साल की जो लड़की होगी उसके ऊपर जो इन्होंने प्रावधान रखा हुआ, वहां भी इनकी सरकार है और उस तर्ज पे इन्होंने हरियाणा ने फैसला लिया, तो वहां लागू हो चुका है या नहीं हो चुका, इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे, और क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर नहीं जवाब दे रहे। अब इनसे जो सवाल पूछो उससे भाग के कुछ और सवाल का जवाब देने लग जाते हैं। आज जिस मुद्दे पे बैठे उसके ऊपर तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, दूर चले गए, जहां महिला थानों में पूछ रहे हैं वहां पे आपने कितनी भर्ती करी उस पे जवाब नहीं दे रहे, कौन सी बात पे जवाब दे रहे हो? आपकी सरकार रही, आपने बड़े बड़े वायदे किए, अच्छे दिन भारत में आने थे, वो पता नहीं कहां गए, तो ये हो क्या रहा है? आपने सिर्फ ये कहने के लिए वही लूटने के लिए ही सिर्फ ये काम कर रही है सरकार, या कुछ इंप्लीमेंट भी करके दिखाएगी? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? अगर आपने यही फैसला मध्य प्रदेश में लिया और इसी तर्ज पे आप इलेक्शन आ रहे हैं तो आपने हरियाणा पे ले लिया, तो वहां पे क्यों नहीं लागू हो रहा, यहां पे कैसे लागू होगा, इसके बारे में भी तो बताएं। 851 महिलाओं बच्चियों की संख्या थी जब हमारी सरकार हरियाणा में आई, और हरियाणा विशेषकर लड़की मार के नाम से बदनाम था। ज्योति जी, आप भी महिला हैं, मेरे प्रांत की हैं, मेरी छोटी बहन है, आपको भी पता है कि हरियाणा में महिलाओं के प्रति किस प्रकार का भाव रखा जाता है। तो मैं अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के आंकड़े पढ़ रहा था, वो 14-15-16 के बढ़ क्यों रहे हैं फिर? आपने बड़ा अच्छा काम करना था, आपने उसको उसमें कमी लानी थी, वो क्यों नहीं आई? देखिए केवल भाई, मुझे अनुरोध है, आपने पूरी बात कर ली, अब मुझे जवाब देने दे। अब आप हर बात को काटेंगे तो फिर मैं भी आपके हर प्रश्न नहीं नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसी पे तो कमी नहीं तो बढ़ रहे हैं ना आंकड़े। आंकड़े बढ़े और वो आज करीब करीब मोदी जी के प्रयास के साथ लोगों को, समाज को, देश को, प्रांत को, सबको जोड़ करके एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया गया। तो अच्छे दिन नहीं आए, जिस पर अच्छे दिन आ गए, कहाँ आए? 250 फिर आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? 851 सवाल तो ये है, आप महिला थानों की भी बात करते हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर की भी बात करते हैं, आप पुलिस की भर्तियों का भी दम भरते हैं, हालांकि कितनी हुई वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर क्राइम रेट बढ़ता है, उसके बावजूद भी अगर आंकड़ों में बढ़ावा देखा जाता है, तो सरकार का फेलियर नहीं? मैंने कहा, देखिए दो हमारे बीच में एक सामाजिक मेरे दोस्त भी बैठे हैं और एक बहुत अच्छे वकील भी बैठे हैं, और इससे पहले के भाग में इस चीज को भी लेकर के चर्चा हुई थी कि क्या सिर्फ सजा के प्रावधान पर अपराध मुक्त प्रांत, देश, राज्य या जिला या घर हो सकता है? क्या उसमें समाज की भूमिका अहम नहीं रहती है? क्या सिर्फ डंडे के जोर पर, या सिर्फ जैसे मेरे भाई ने तो अभी बताया था, राज्य पुलिस की जवाबदेही किसके लिए है ये बताइए? राज्य पुलिस की जवाबदेही हर आम नागरिक के लिए है, और मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर हर घटना के बाद
जिस प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने बताया बार बार फिर आप कहेंगे तो वो राजनीतिक बात हो जाती है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को मिला है उसके बावजूद हमने इतना बढ़िया काम करके दिखा रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, उसका ये जीता जागता सबूत है कि इस प्रकार के फैसले नहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कांग्रेस को छोड़ करके आपने अभी डिबेट दिखाई है, उसमें भी आधे से ज्यादा लोगों ने इस कानून के ऊपर अपनी स्वाकृति दी है। ये लागू नहीं होगा, ये लागू कैसे होगा ये तो बताएं। कानून तो पहले भी बहुत सारे हैं, इसको भी कानून बना देंगे लेकिन उनको लागू कितनी तेजी के साथ किया जाता है, कितना डर उसका लोगों के जहन में रहता है, वो सवाल है। रविंद्र ढुल जी, देखिए ज्योति, आज ही एक्विट हुआ है जो अशोक कंडक्टर जो है प्रद्युम्न वाले मामले में, मामला कितने महीने से मीडिया में है, क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने की जिन्होंने उस व्यक्ति को झूठा फंसाया था? कहना अलग, मैं कह रहा हूँ, पहली बात कह रहा हूँ कि आम व्यक्ति जो पुलिस के खिलाफ शिकायत करता है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का प्रावधान हमारे हरियाणा के अंदर है, जब से इनकी सरकार आई है खाली पड़ा हुआ पद, वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी क्यों नहीं बनती है? कहां जाएगा वो व्यक्ति शिकायत लेकर के? यदि आप ये सोच रहे हैं सीएम विंडो के अंदर, तो कृपया करके माफ कीजिए, सीएम विंडो बिल्कुल भी कोई कानूनी रास्ता नहीं है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। बताइए कृष्ण ढुल जी, पिछली बार भी आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, आप बोले किस चीज को लेकर के? पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हरियाणा के अंदर पद 3 साल से चेयरमैन का क्यों खाली पड़ा हुआ है? चलिए, मेरी मेरी ये जानकारी में नहीं है कि वो पद खाली पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा सीएम विंडो कोई प्रावधान नहीं है, सीएम विंडो का आज हरियाणा सरकार में अपराध को कर्मचारियों के काम के प्रति जवाबदेही का इससे बड़ा जीता जागता कोई सबूत नहीं है। सीएम विंडो को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं सर, कितनी फेल कितनी पास फेल नहीं हुई है, वो आपके यहाँ ही चर्चा पे वो पास हुई है। हमने आंकड़ों को लेकर ही चर्चा की थी, क्या उससे क्राइम घटा? क्या मैंने ये कहा कि क्राइम घटाने के लिए सिर्फ पुलिस का डंडा क्या कामयाब रहेगा? उसके लिए मेरे श्याम सका श्याम दोस्त है वकील साहब, इन्होंने कहा कि क्या पुलिस सिर्फ कानून बनाने से या फांसी पे लटका देने से अपराध रुकता है? मुझे ये लगता है कि क्या कानून बना देने से इस बात की हंसी आ रही है कि भाई रविंद्र ढुल को छोड़ के दोनों एक तो विषय से भटक रहे हैं और पूरी राजनीति कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र हैं ढुल साहब, इधर मेरे साथ बैठे बीजेपी के, इन्होंने कहा कि हमने गौ रक्षा के लिए कानून बनाए, तो भाई गौ रक्षक दल बनाए तुम, यहाँ बच्ची रक्षक दल भी बना लेते। ये बड़ी मजाक सी की बात आती है कि व्हाट इज दिस, व्हाट दे आर टॉकिंग। वो रिकॉर्ड बता रहे हैं, उनके भी रिकॉर्ड ऐसे हैं। मैं असली बात, प्लीज डोंट स्पीक, मैं गौ रक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं, मैं तो इनकी की, आप बोलिए। मैंने जो पहली बात कही थी कि सबसे पहले हमें पुलिस के रिफॉर्म करने पड़ेंगे, बिल्कुल, और दूसरा कि बहुत जल्दी न्याय की प्रक्रिया, और उसमें कोई बच्ची वच्ची नहीं, ये तो मैं इसको एक पॉपुलर स्लोगन मानता हूं। आप ये बताइए कि 25 साल की लड़की के साथ रेप होता है वो ठीक है क्या? 12 साल तक की फांसी होनी चाहिए? आई डोंट एग्री विद इट। मैं पहली बात तो इस सजा का वो नहीं, क्योंकि सजा खत्म हो गया, वो व्यक्ति वो अगर वहां रहेगा, उसका परिवार जाएगा उससे मिलने, वो जाएगा, सबको सबक मिलेगा, उसको सारी उम्र के लिए कैद में डाल दो, उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बच्चों को, जो भी महिला है कोई भी उसको दे दो और फौरन। लेकिन उस सबसे बड़ा क्या है कि आप पुलिस का वो करें कि इन्वेस्टिगेशन का अलग हो, आज इन्वेस्टिगेशन वाला कल ट्रैफिक में लगा दिया, परसों एमएलए एमपी के पास लगा दिया, व्हाट इज दिस थिंग? पहली बात तो ये है कि पुलिस का रिफॉर्म किया जाए, उनकी पे भी अच्छी किया जाए, तब पढ़े लिखे लोग आएंगे वहां, तब जाके बात बनेगी, वो तो कर नहीं रहे हैं। और हमेशा आज मैं रविंद्र ढुल जी को ये दूंगा कि ये भी मेरे साथ इस बात में है कि पुलिस रिफॉर्म सबसे पहला, दूसरी समाज की बात आती है, समाज को हमें सिखाना पड़ेगा कि भाई जेंडर सेपरेशन जो घर से चलता है, गुरिंदर पाल सिंह जी बोले, बच्ची बड़ी हुई कि तूने सिर क्यों नहीं ढका, तू ऐसे क्यों हंस रही है, वहां बदलाव की जरूरत है, उसमें कोई डर वो और ये पल्ला तेरे इससे वक्त से क्यों गया, ये जो चीजें हैं क्या होगा? अब बच्चा भाई भी देख रहा है उसका, चलो अपनी बहन को नहीं देखेगा, बाहर जाके देखेगा, भाई वक्त कोई देखने की चीज है? तो ये चीजें हमें परिवार को समाज के लेवल पर, इसमें सरकार की कोई मैं राय नहीं समझता, समाज को ही चाहिए कि वो अपने इस तरीके की गोष्ठियां करें और वहां बताए कि भाई देखो जेंडर इसका, बाकी सारी दुनिया में जेंडर का हुआ है, मुस्लिम उसको छोड़ दे। मैं एक बात आपसे शेयर करूं, ये हम क्योंकि कानूनी तौर पर काम करते हैं और हमें कुछ इस तरह के अनुभव होते हैं जो नॉर्मली नहीं होते। जेल में जब कोई भी अपराधी रेप के केस का या इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंस के केस का जाता है ना, उसका जो स्वागत होता है ना, वो आप सोच सकते हैं, ही इज द मोस्ट हेटेड पर्सन देयर,
उसके साथ इतनी ज्यादा उसको मतलब वहां पे सबसे नीचे ग्रेड में रखा जाता है और उसके साथ पूरी मतलब उसको बताया जाता है कि तू इतने घटिया अपराध करके आया है, तो हम जेल को एक तो और तरह मतलब वहां अपराधी ही रहते हैं, लेकिन ये जो मसला है ना अपराधी जो वहां रहते हैं ना उनका भी एक हायरार्की होती है, वो अपने आप में जेल में इस तरह के अपराध का जाना उसको अपने आप में दंडित करता है। एक जो बात श्याम सखा जी ने कही उससे मैं बहुत अच्छी तरह सहमत हूं, वो मेरा ये मानना है कि कानून की किताब में आपने कानून लिख के रख दिया, हाँ। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 साल की सजा कोई कम सजा नहीं है। हम रोज देखते हैं रेप का एलिगेशन लगने के बाद 4-4, 5-5 साल तक जमानत नहीं होती, हम मर्डर के केस में रविंद्र डुलजी बैठे हैं, मर्डर के केस में जमानत लेना हमारे लिए आसान होता है अक्यूज के लिए, लेकिन रेप के केस में कोई भी जज आपको बहुत इजीली नहीं देता रे, तो कानून की वजह से ये नहीं हो रहा है। हमने मैं एक एग्जांपल दूं, एनडीपीएस एक्ट बनने के बाद क्या ड्रग एडिक्शन या जो ड्रग के केस है वो कम हुए, बात सिर्फ इतनी है कि जो न्यायिक प्रणाली है उसको चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और न्यायिक प्रणाली वकील और जज नहीं होते सिर्फ, न्यायिक प्रणाली में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत अनसाइंटिफिक है, मैं एक लाइन में एक बात बताऊं कि आप 25 पैसे का सिविल सूट डिक्री नहीं करा सकते कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप एक आदमी को फांसी की सजा दिलवा सकते हो एक दवाई देकर कि इसने मेरे सामने गोली मारी है चाहे वो झूठा ही हो, तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका बहुत बड़ा योगदान है इस व्यवस्था को सुधारने में और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जब वहां फेलियर होती है तो सरकार आनन फानन में इस तरह का फैसला ले लेती, देखो हमने तो काम कर दिया, हमने देखो बच्चियों के लिए इतना कर दिया, ठीक है, ये कहने के अलावा। और उनके रामनिवास शर्मा जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये बेटियों को लेकर मुहिम चलाते रहे हैं, इनकी ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि फांसी की सजा दी जाए रेप और गैंगरेप जैसे मामलों में। स्वागत है सर आपका चर्चा में। रामनिवास शर्मा जी, जो हरियाणा कैबिनेट ने फैसला लिया कि 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनके साथ अगर दरिंदगी की जाती है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, स्वागत करते हैं फैसले का। ये बहुत अच्छा फैसला है, ये कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा फैसला है, पर थोड़ी सीढ़ भी कमी रहेगी, ये सब जो फैसले लेगी सरकार तो ऐसे फैसलों से समाज में डर बैठेगा और ये डर बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो आपने तो 14 साल से कम के रेप का कहा, मैं तो कहता हूँ जो गर्म में मारते हैं उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, और क्योंकि जब तक डर नहीं होएगा जब तक समाज में एक मुख्य धारा में लोग नहीं आएंगे, और ये हरियाणा से एक संदेश भी लेना चाहिए, पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, और ये कानून पूरे देश में बनना चाहिए और हर स्टेट को अपना कानून ऐसा लागू करना चाहिए, मेरा ये मानना है, ये मैं इसका स्वागत करता हूँ। कानून जो बनाया जाएगा वो अच्छा है, फैसला जो लिया गया है वो भी अच्छा है। केवल ढींगरा जी बोले, देखिए इसमें एक और चीज जो छूट गई है वो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने रखा था लेकिन धुल साहब ने जवाब दिया, 14 से 18 साल के बीच में बच्चा माइनर गिना जाता है, हाँ। और उसके ऊपर प्रावधान नहीं है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसका जो है अपराध जो है वो ना फांसी का आएगा और ना उम्र कैद का आएगा, तो उसकी जो गलती है वो कहां गई फिर, वो उसको फास्ट ट्रैक उसको उसकी सजा जो है वो 3 ईयर के माइनर के उसमें गिनी जाएगी और उसको माइनर की उसके ऊपर वो सजा गिनी जाएगी और उसको उसके बीच में क्या सिस्टम होगा। देखो मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे असहमति व्यक्त करता हूँ, जो ऑफेंसेस होती है ना उसको आपको कहीं ना कहीं कैटेगराइज करना पड़ता है, कुछ ऑफेंस को हम बहुत ज्यादा मतलब घृणित मानते हैं, रेप अपने आप में एक घृणित ऑफेंस है, बिल्कुल, और जिस व्यक्ति के साथ ये घटना होती है जिस औरत के साथ या जिस लड़की के साथ आप मतलब सोचोगे उसके लिए मृत्यु होती है, ये अपने आप में मौत के समान होती है उसके लिए, वो पूरी उम्र उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट सजा देने के लिए ऑफेंसेस को कैटेगराइजेशन करना पड़ता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कैसे कोई व्यक्ति 4 साल की लड़की के साथ रेप कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं, तो इसलिए यदि वो घृणित ऑफेंस में ज्यादा घृणित ऑफेंस है तो उसके लिए ज्यादा सजा का प्रावधान कानूनी तौर पे वैलिड भी ले और चाहिए भी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं ज्योति जी, यहां वो सामाजिक कार्यकर्ता को कहनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है और मैं जितना भी अध्ययन कर चुका हूं या मैंने देखा है इस बारे में, ये है कि हिंदुस्तान में सबसे अनसेफ जगह लड़कियों के लिए उनका खुद का घर होता है, चाचे ताऊ बुआ फूफा मामा जो भी हैं वो वहां भी सेफ नहीं है। इसके लिए वही बात जो मैं पहले कह रहा था, इस देश में एजुकेशन को, मॉरल एजुकेशन तो एक हिस्सा है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। जब तक ये एजुकेटेड सोसाइटी नहीं होगी, और मैंने एग्जांपल दिया था कि शिक्षा पर दो देश
6% से ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं, वहां औरतों के खिलाफ और बच्चियों के खिलाफ अपराध नगण्य हैं। तो हमें उन चीजों को भी देखना चाहिए कि मेयर ने कानून बढ़ा दिया, 12 साल आप 2 फांसी कर दो, 4 फांसी लगा दो। बीजेपी का पक्ष लाने के ढोल साहब, कई जगह ऐसी हैं जहां पर सुधार की जरूरत है। मैं गुरिंदर पाल जी ने भी एक बात कही कि मॉरल एजुकेशन, उसको लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो विपक्ष बड़ा हल्ला मचाता है कि गीता का ज्ञान देंगे, पर गीता का ज्ञान लेकर के ही हम लोग राजनीति कर रहे हैं। गीता का ज्ञान ही अमर ज्ञान है और उसके माध्यम से हम बचपन से पहले दिन से गीता पढ़ते आ रहे हैं, और ये जो जितने भी क्राइम हुए हैं, जिसके घर में गीता पढ़ी है ना, उसी ने अपनी बच्ची का घर बच्ची को गर्भ में पैदा नहीं होने दिया। आप मतलब मॉरल एजुकेशन को, मेरी मॉरल एजुकेशन की बात को आप मिसस्टेट मत करिए। मॉरल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको धार्मिक शिक्षा दें या ना दें, किसी धर्म विषय से क्यों जोड़ा जाएगा। मॉरल एजुकेशन का मतलब सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, जितनी धार्मिक जितनी मेरी बात सुनो, मैं एक बात कहना चाहूंगा डोले साहब, आपकी बात राम रहीम से बड़ा आपका कोई वहां वो मॉरल एजुकेशन देने वाला नहीं था। ड्रग डी एडिक्शन, महिलाओं के शादियां, और वो सुनारिया जेल में पड़ा है, मॉरल एजुकेशन का रिजल्ट ये देख रहे हैं हम। मॉरल एजुकेशन अपने आप में नहीं है, नॉर्मल एजुकेशन को इस तरह से डिजाइन करो, इज्जत करने का आपको हालांकि सबकी जिम्मेदारी है, इसका सामाजिक पक्ष भी है, इसका सामाजिक पक्ष भी है, लेकिन सरकार की अपनी जिम्मेदारी। मेरी बात को गुरिंदर भाई बड़ा बुरा मान गए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं, एक मिनट मॉरल एजुकेशन की अगर आप बात करते हो तो आपने ये कहा कि बच्ची घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो क्या वहां मॉरल एजुकेशन किसी ने नहीं दी है? जो लोग अपराधी इस प्रकार का घृणित कार्य करके उम्र कैद की सजा काट रहे, फांसी होगी, क्या उन्होंने इस चीज का पता नहीं है? पता है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट आप वाला नहीं था? मैंने कब कहा कि आप ये कहना चाहते हो, या मेरा ये कहना कहा है कि सिर्फ ये चीज गीता में लिखी है, वहां पे काम नहीं हो रहा? सुनिए, मैंने ये कहा कि मॉरल एजुकेशन देना, मॉरल एजुकेशन कभी से पीढ़ियों से हम लोग देते रहे हैं, अपने घर में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, समझ लेने लगता है, उसको हम लोग रीति नीति संस्कार संस्कृति सब चीज बताते हैं। हमारा मेरा ही बच्चा अगर कल कोई अपराध करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उसको मॉरल एजुकेशन नहीं दी थी, किसी न किसी रूप में समाज के किसी एक बुराई के हिस्से से हत्या करके वो उस अपराध के अंदर चला गया। लेकर भी कानून का प्रावधान है, सख्त प्रावधान है, उसके बावजूद भी क्राइम नहीं रुकता, क्या इसका जी कानून के बन जाने से? मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं, मैंने बताया था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर शिक्षा होनी चाहिए, मॉरल नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी, पहले इन्होंने गौ की बात की, अब गीता में कहीं भी मॉरल एजुकेशन नहीं है, वहां एक कर्म की पद्धति है जिसमें कहीं ये नहीं लिखा रेप नहीं करना, कहीं ये लिखा आपने कत्ल नहीं करना, कहीं या तो गीता पढ़ी नहीं भाई ने मेरे ने, गीता मैंने तो इतने सालों से पढ़ी है, मैं उसके श्लोक पोस्ट कर देता हूं। वहां सिर्फ ये लिखा है कि भाई लास्ट में आके तीनों के यानी के वो बात करके गीता बड़े हैं। आपने गीता कंठस्थ याद है, मुझे एक ही वाक्य याद है गीता का कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतोगे, और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा मॉरल कोई वाक्य और संदेश नहीं है। यस यस, यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था गुरलीन जी, गुरलीन भाई, ऐसा नहीं है कि मॉरल एजुकेशन इससे पहले किसी ने नहीं बताई या समाज में नहीं थी, थी नहीं, चल रही है, तो मैं तो बनाने की कोशिश की ना, फिर अगर गीता पे ही आपको जाना है सर, गीता पे ही चर्चा करनी है, गीता पे मैं तो बनाने की कोशिश है कि क्राइम रुका क्या, क्राइम रुका उससे। मैंने ये देखिए, एक तरफ तो हमारे कानूनविद बैठे हैं, उन्होंने कहा चाहे फांसी रोक दो, कानून मतलब फांसी देने से भी अपराध नहीं रुकते, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, मॉरल एजुकेशन देने से भी अपराध नहीं रुकते, फिर अपराध कैसे रुकेंगे? कानून के पास समाधान है ना, सरकारों के पास समाधान है ना, कोई सामाजिक समाधान है? फिर चर्चा का ये अंत, सर्वांगीण हम इस बात के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हर एक पहलू पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा हमें इस बात पर भी करनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कल ये कहती है कि हमें दुख है कि सरकार जो है जुडिशरी के पदों को बढ़ने के लिए संजीदा नहीं है। हाँ। हमें इन बातों के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए, जब तक न्यायपालिका के पास जज नहीं होंगे, जब तक पुलिस एफिशिएंट नहीं होगी, जब तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन मुस्तैद नहीं होगा और संजीदा इन मुद्दों के ऊपर संजीदा बात नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं। थोड़ा ज्यादा होने की जरूरत है और हर एक जगह पर तेजी आए इस तरह के मामलों में, पुलिस की बात कर लें, अदालतों की बात कर लें। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही सवाल यही उठाया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो सबसे पहले प्राइमर ऑफेंस होता है, अगर वो अगर
अगर सही से काम करे तो ये ऑफेंस बढ़े ही ना। आप ये देखिए जितने पुलिस ये इस मामलों में केस दर्ज करती है वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाते हैं मुलजिम, और मुलजिम अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो इट मींस की जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें फेलियर है, और जब पुलिस का फेलियर होता है तो उसके मामले में तो कोई सख्ती दी नहीं। अभी अपना रविंदर डुल जी ने बात की गुड़गांव वाले मामले की, तो उस कंडक्टर को जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई बनती नहीं थी, पुलिस ने उसको इतना पीटा तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी जो पुलिस पुलिस के लोग थे, कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार। जब जब इस तरह के काम सरकार करती है तो वो पुलिस के ऊपर विश्वास उठता है लोगों का और ये काम बढ़ता है। शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो जो फैसला लिया गया है हरियाणा कैबिनेट की ओर से कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है और कहां कहां सुधार की जरूरत है बेटियों की सुरक्षा के लिए, इसको लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम सब बदल लेते हैं।